नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। पेश ने हुण तक दीआं खबरां। अमरीका दे 7 दिनां दे दौरे ते गए नरेंद्र मोदी दा ह्यूस्टन पुज्जण ते निघा स्वागत कीता गया। प्रधानमंत्री दा पहला दिन रुझेवियां भरिया रहा। उन्हां ह्यूस्टन विच कश्मीरी पंडतां दे 17 मैंबरी डेलीगेशन नाल विशेष चर्चा कीती। चर्चा दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि उह नवां कश्मीर सिरजना चाहुंदे ने जो सारिआं दा ही होवेगा। प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडित भाईचारे के 30 साल के सबर लिए उन्हों का धन्यवाद किया। कश्मीरी पंडित ने भारत सरकार वालों देश के दे विकास तरक्की ते हर भारतीय के शक्तिकरण लिए चुके जा रहे कदमों लिए भरपूर समर्थन जताया। उन्हें प्रधानमंत्री का कश्मीर चो धारा 370 35 खत्म करने धन्यवाद किया अते कहा कि उन्होंने भाईचारे के 7 लाख लोग मोदी सरकार के एहसानमंद रहेंगे। डेलीगेशन वालों प्रधानमंत्री मोदी को एक याद पत्र भी सौंपा गया जिस विच भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन एक टास्क फोर्स स्थापित करने की बेनती की गई है ताकि इस नाल कश्मीरी भाईचारे नाल जुड़े मैंबर इकट्ठे हो सकन, कश्मीर का विकास हो सके ते कश्मीरी पंडतों की घाटी विच मुड़ वापसी हो सके। सिख भाईचारे के एक वफद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट विच कीता। वफद के मैंबरां ने भारत सरकार वालों लए गए वड्डे दलेराना फैसलों लई धन्नवाद कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज रात ऊर्जा की राजधानी कहे जाने वाले अमरीका के शहर ह्यूस्टन विच हाउडी मोदी महारैली नूं संबोधन किया जाएगा। हाउडी मोदी रैली की काफ़ी समय तो विश्व भर में बहुत चर्चा है। इत्थे रहण वाले भारतीय मूल दे अमरीकियां नूं इस रैली की बेसब्री नाल उड़ीके रैली वास्ते NRG स्टेडियम विच बहुत वड्डे पद्धर ते इंतजाम किए गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप वाशिंगटन तो विशेष तौर पर हाउडी मोदी रैली का हिस्सा बनने लई ह्यूस्टन पहुँच रहे हैं। दसिया जा रहा है कि हाउडी मोदी मैगा रैली विच 50,000 तो वध लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। हाउडी मोदी समागम तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क लई रवाना होणगे जिथे वह भलके जलवायु शिखर सम्मेलन विच हिस्सा लैणगे। अपने 7 दिनों के अमरीकी दौरे दौरान नरेंद्र मोदी एक विश्व सेहत समागम नूं भी संबोधन करनगे। 24 सितंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सद्दे ते बुलाई गई मीटिंग विच इंडिया पैसिफिक टापुआ के नेता हिस्सा लै रहे ने। इस दिन भारत वालों संयुक्त राष्ट्र विच महात्मा गांधी की 150 साल जन्म वरेगंढ संबंधी एक समागम विच भी प्रधानमंत्री शिरकत करनगे। इस समागम दौरान विश्व विच महात्मा गांधी के विचार की अज के युग विच सार्थकता ते विचार चर्चा की जाएगी। इस विचार चर्चा विच कई देशों के मुखी भी शामिल हो रहे हैं जिन्हां विच दक्षण कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, बंगलादेश ते जमायका वर्गे मुल्क शामिल ने। महात्मा गांधी की जन्म वरेगंढ संबंधी समागम में संयुक्त राष्ट्र वालों भी एक विशेष डाक टिकट भी जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के मुख दफ्तर विच गांधी सोलर पार्क ते गांधी शांति बाग का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं उन्हां दी अमरीकी फेरी दौरान स्वच्छ भारत अभियान तहत साफ सफाई के खेत्र विच लीडरशिप लई बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर सम्मान नाल नवाजिया जाएगा। 25 सितंबर नूं प्रधानमंत्री बालूमबर्ग विच बिजनेस फोरम नूं संबोधन करनगे। अपनी अमरीका यात्रा के अंतम दिन 27 सितंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असैम्बली नूं भी संबोधन करनगे। भारतीय हवाई सेना के मुखी एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है कि भारतीय हवाई सेना में शामिल किए जाने वाले राफेल लड़ाकू जहाज दक्षण एशिया खेत्र में गेम चेंजर साबित होंगे। दूरदर्शन खबरों नूं दित्ती एक विशेष इंटरव्यू विच एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि बहुमंतवी रोल निभाउण वाले राफेल लड़ाकू जहाज़ दा साडे किसी भी विरोधी कोई भी जवाब नहीं होवेगा। उन्हां ए वी कहा कि भारतीय हवाई सेना विच पायलटां दी कोई घाट नहीं है। साउदी अरब विच तेल टिकाणियां ते हमले तो बाद तेल दीआं कीमतां चढ़ गईआं ने। भारत विच पेट्रोल 1.59 रुपए महंगा हो गया है जदकि डीजल दीआं कीमतां विच 1.31 रुपए फी लीटर वाधा होया है। 2017 विच रोज़ाना दे आधार ते पेट्रोल कीमतां दी समीक्षा तो बाद इह सब तो वड्डा वाधा है। भारत दे तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिनी साउदी अरब दे नवे तेल मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान नाल फोन ते गलबात कीती ते तेल दी सप्लाई योजना ते चर्चा कीती। प्रधान अनुसार साउदी अरब ने भारत नूं भरोसा दिता है कि वह पहला तय तेल की सप्लाई बारे अपनी वचनबद्धता निभाउणगे। साउदी अरब भारत का दूजा सब तो वड्डा तेल सप्लाई करन वाला मुल्क है ते वह हर महीने भारत नूं 2 मिलियन टन कच्चे तेल की सप्लाई करता है। इस विचों सितंबर महीने की कोई 1.3 मिलियन टन सप्लाई पहला ही भारत नूं मिल चुकी है। बाकी रहिंदी सप्लाई देण दा भी भरोसा दिता गया है पर साउदी अरब ने रसोई गैस की सप्लाई अगे पाउण दी गल कही है। पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने कहा है कि LPG की किसी तरह की कमी नाल जिठिया जा सकता है ते LPG साउदी अरब की थां कतर तो मंगवाई जा सकती है। भारत हर महीने साउदी अरब तो 2 लाख टन LPG मंगवाउंदा है।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਅੰਤਮ T20 ਮੈਚ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰੇ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।